अंशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच अपना स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती लेकर। बड़ी हस्ती में एक बार हम फिर से बात करेंगे राजनीति की दुनिया में इस वक्त क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। सियासी माहौल काफी ज्यादा तेज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच इस वक्त जंग छिड़ी हुई है किसी ना किसी मुद्दे को लेकर। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार ने रणनीतियां बनाई हैं और इन रणनीतियों के बीच हमला कर दिया है विपक्ष पर। जी हाँ, कांग्रेस की हाईकमान सोनिया गांधी जो ईडी के चंगुल में फंसती हुई दिखाई दी। नेशनल हेरल्ड केस के चलते कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई। ईडी ने बार बार उन्हें दफ्तर बुलाया पूछताछ के लिए, लेकिन इस बीच पार्टी यहां पर कमजोर पड़ती हुई इस वजह से भी दिखाई दे रही है कि एक एक करके कई युवा नेता, कई अनुभवी वरिष्ठ नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस खेमे में काफी ज्यादा कलह मची हुई है। बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जंग छिड़ी हुई है मुख्यमंत्री पद को लेकर। यहां पर राजस्थान की आवाम मांग कर रही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार राजस्थान में तभी होगी जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। नाम सामने आया यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का, जिन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया है। लेकिन दूसरी ही तरफ अशोक गहलोत कहते हैं कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। अशोक गहलोत से आग्रह किया सोनिया गांधी ने, उनसे मुलाकात की, लेकिन यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए नजर आए हैं कि राहुल गांधी पर इस वक्त दबाव है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अध्यक्ष कौन बनता है। अध्यक्ष चुनाव को लेकर इस वक्त कई बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों से हटकर, इन मुश्किलों से हटकर यहां पर कांग्रेस का जब दामन छोड़ दिया वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने। गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस में एक जाना माना नाम, लेकिन आज वह कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। बीते शुक्रवार के दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 4 से 5 पन्नों में उन्होंने अपनी शिकायतें लिखी सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए उनकी आलोचनाएं की। ये तक कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस अब 7 सितंबर से शुरू करने वाली है। जी हाँ, ऐसे में वह कहते हैं कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बल्कि कांग्रेस को अब कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। उन्होंने यहां पर G23 नेताओं को लेकर भी बात कही कि उनके साथ किस तरीके से बर्ताव किया जाता था। उन्होंने यहां पर अपनी शिकायतों को इन पन्नों में लिखा। लेकिन आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद जिन्होंने राजनीति में काफी कुछ किया है और आज इस वक्त वह चर्चा का विषय कई मुद्दों को लेकर बने हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस की आलोचना की, लेकिन दूसरी ही तरफ दावे किए जा रहे हैं कि क्या वह बीजेपी में शामिल होंगे। इसके अलावा यहां पर दावे ये भी किए जा रहे हैं कि अब गुलाम नबी आजाद क्या कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं जिससे कि कांग्रेस को भी झटका लग सकता है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफे के बाद ये तक कह दिया कि वह अब अपनी पार्टी का गठन करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रीय पार्टी का वह गठन अभी नहीं करेंगे, इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वह जम्मू कश्मीर में एक इकाई गठित करना चाहते हैं। और इसी बीच गुलाम नबी आजाद को लेकर, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कई राज खुल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं उनके चाहने वाले। आज हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गुलाम नबी आजाद के साथ साथ यहाँ पर उनकी पत्नी के बारे में, हमने आपको बताया ही था, लेकिन आज बात करेंगे यहाँ पर उनके बच्चों के बारे में, उनकी बेटी के बारे में। क्या कुछ है उनकी बेटी के बारे में जानने के लिए, जरा देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी इन दिनों कई बड़ी दिक्कतों का सामना कर रही है। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया ही,
कि वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी से अब अलग हो चुके हैं, अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और इस इस्तीफे के बाद उन्होंने कई बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। दरअसल अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सियासत पर कड़ी नजर रखने वाले राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि शायद गुलाम नबी आजाद अब कोई क्षेत्रीय पार्टी बनाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ गुलाम नबी आजाद ने भी बड़ा ऐलान कर दिया और उन्होंने यहाँ पर इशारा कर दिया है कि वह जरूरत पड़ने पर अपनी एक अलग पार्टी बना सकते हैं, लेकिन इसमें वह जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मालूम हो कि गुलाम नबी आजाद जिन्होंने राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा किया और राज्यसभा में कार्यकाल जब उन्होंने पूरा किया, जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके काम की सराहना की। जम्मू कश्मीर में जितने भी विवाद हुए उन विवादों में उस तरीके से वहां पर रिपीट जम्मू कश्मीर में जो भी विवाद देखने को मिले और उन विवादों में अहम फैसले लेते हुए दिखाई दिए थे गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद को लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वह बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कह दिया है कि गुलाम नबी अब कांग्रेस पार्टी से आजाद हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद को लेकर कई राज खुल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं उनके चाहने वाले। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि उनकी पत्नी कौन है, क्या कुछ करती है, हमने अपनी बीती पिछली रिपोर्ट में आपको बताया ही था। लेकिन बात करेंगे यहाँ पर गुलाम नबी आजाद की बेटी के बारे में। जी हाँ, राजनीति की दुनिया से हटकर पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए, गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर की मशहूर लोक गायिका शमीम देव के साथ शादी की। आपको बता दें, अपनी मखमली आवाज के लिए वह जानी जाती हैं। शमीम देव पद्मश्री से सम्मानित भी की जा चुकी हैं। साल 2007 में उन्हें कल्पना चावला एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया था। ये तो बात हुई उनकी पत्नी की, लेकिन बात की जाए यहाँ पर उनके बच्चों के बारे में। गुलाम नबी आजाद और शमीम के दो बच्चे हैं। जी हाँ, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटे का नाम है सद्दाम नबी आजाद और बेटी का नाम है सोफिया नबी आजाद। कहा जाता है कि एक कार्यक्रम के दौरान गुलाम नबी आजाद और उनकी पत्नी की पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन बात करें यहां पर सोफिया के बारे में, सोफिया के बारे में बहुत ही कम जानकारी सामने आई है, लेकिन कुछ तस्वीरें देखने को मिली हैं जो आप देख रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में। सोफिया नबी आजाद जिन्होंने राजनीति से हटकर अपनी अलग पहचान बनाई है, उनके कुछ ग्लैमरस तस्वीरें सामने आई है, आप देख रहे होंगे इस रिपोर्ट में। फोटो शूट उन्होंने कराए हैं एक से एक बढ़कर। वहीं यहां पर बात की जाए उनकी हॉबीज के बारे में, उनके फेवरेट एक्टर फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि सोफिया नबी आजाद बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान को पसंद करती हैं। वहीं उनकी पसंदीदा अभिनेत्री हैं कियारा आडवाणी। सोफिया जिन्हें दुबई काफी पसंद है, वहीं गोवा भी वह काफी पसंद करती हैं। सोफिया काफी ज्यादा स्टाइलिश हैं, काफी ज्यादा ग्लैमरस हैं। सोफिया के बारे में बात की जाए तो उनकी हाइट तकरीबन 177 सेंटीमीटर है। रिपीट, सोफिया के बारे में बात की जाए तो उनकी उम्र का यहाँ पर कोई भी, रिपीट, सोफिया के बारे में आपको बता दें, सोफिया की ना ही उम्र सामने आई है और ना ही यहाँ पर कोई जानकारी सामने आई है। उनकी माँ एक सिंगर के तौर पर जानी जाती हैं, लेकिन सोफिया यहाँ पर क्या कुछ करती हैं ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, क्योंकि यहाँ पर नाम सामने आता है एक डिज़ाइनर के तौर पर। वह कई इवेंट्स में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, लेकिन साफ तौर पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा देखा गया है कि सोफिया आखिरकार क्या करती है। राजनीति से हटकर इस तरीके से सोफिया चर्चा का विषय बनती हुई नजर आई है। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से गुलाम नबी आजाद की बेटी सोफिया को लेकर महज कुछ ही चीजें सामने आई है, इससे ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन गुलाम नबी आजाद राजनीति की दुनिया का जाना माना नाम है, तो वहीं उनकी बेटी राजनीति से काफी दूर है। इस प्रोग्राम में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।